हेलो जी, तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम डायरेक्ट कर रहे हैं रोड से ही। बेसिकली आज हम जा रहे हैं अलीबाग। तो जिन लोगों को नहीं पता कि अलीबाग कहाँ आता है, तो उन लोगों को बता दो कि अलीबाग आता है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और अलीबाग फेमस है अपने खूबसूरत बीचेस के लिए और यहाँ के हिस्टोरिकल फोर्ट्स के लिए। अलीबाग को आप मिनी गोवा भी बोल सकते हैं। जो लोग गोवा नहीं जा पाते वो लोग अलीबाग जा सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप अलीबाग कैसे पहुँच सकते हो। तो अगर आप रेलवे स्टेशन से आने का सोच रहे हो तो नज़दीक का रेलवे स्टेशन है पेन, बट वो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है। तो उसके बजाय आप पनवेल आ सकते हो और पनवेल से आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएगी अलीबाग के लिए। अगर उसके अलावा मुंबई भी आ सकते हो, मुंबई से भी आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएगी। आप पुणे भी आ सकते हो, वहाँ से भी आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएगी। यानी कि पनवेल, पुणे और मुंबई से, ये तीन जगह से आपको बसेस आराम से मिल जाएगी। अगर आप मुंबई, पुणे या पनवेल में रहते हैं तो आप डायरेक्ट बस पकड़ के अलीबाग भी जा सकते हैं। आपको गवर्नमेंट बसेस, प्राइवेट बसेस या लग्जरी बसेस बहुत आराम से मिल जाएगी अलीबाग के लिए। और एक तरीका है यहाँ पे आने का, वो है फेरी सर्विस। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के इधर आपको मिलेगी फेरी सर्विस MTM, यानी कि मुंबई टू मांडवा। तो उस फेरी से आप खुद भी आ सकते हो या अपनी खुद की गाड़ी भी ला सकते हो, कार या बाइक। और फेरी सर्विस के अलग अलग चार्जेस होते हैं, वो आपको उधर जाके पता चलेगा। और अलीबाग आप अपनी खुद की गाड़ी भी लेकर आ सकते हो बाय रोड से, जैसे कि अभी हम पनवेल से अलीबाग जा रहे हैं। अभी हम चाय नाश्ता के लिए रुके थे और उधर हमने कुछ फोटो भी निकाली। इसके बाद हम तुरंत रवाना हुए अलीबाग की ओर। अभी हम पहुंच गए हैं अलीबाग और बीच की ओर जा रहे हैं। आपको दूसरे साइड भी पार्किंग मिल जाएगी, बट हम डायरेक्ट जा रहे हैं बीच की ओर अपनी गाड़ी लेकर। अगर आपने होटल या कॉटेज बुक किया होगा तो उधर आपको पार्किंग आराम से मिल जाएगी। तो हम अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं और हमको फाइनल बीच की पानी की आवाज भी सुनने को मिल रही है। तो गाइस हम फाइनल पहुंच गए अलीबाग बीच पे। तो एंजॉय द व्यू गाइस। अभी आए हैं नागांव बीच पे और आपको अलीबाग में बहुत सारे बीचेस देखने को मिल सकते हैं। हमको रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह भी मिल गई है। इधर हमको झूले भी देखने को मिल गए। मैंने तो बहुत एंजॉय किया इस झूले पे। बाद हम ADV राइड पे चले गए। ये राइड पे हमने बहुत सारे मजे किए। ये आपको 1 किलोमीटर घुमा के छोड़ देगी और इसकी प्राइस की बात करें तो 100 रुपीज पर पर्सन है। इसके बाद हम चले गए घोड़ा गाड़ी की सवारी लेने के लिए। इसमें तो हमने बहुत ही मजे किए। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट गाइस।